जिसके हेल्प से मैं अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ बात भी कर सकता ले सकते खुले आसमां में उसके नीचे तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा मेरा रूम जो कि बिल्कुल मेरा रूम है। हाय गाइस व्हाट्सअप कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं अभी आप लोगों को देने वाला हूँ एक होम टूर जो कि है बहुत स्पेशल क्योंकि ये है हमारा नया घर जिसमें अभी तक हम लोगों ने शिफ्ट नहीं किया है। बट पहले भी मैंने अपने ब्लॉग्स में दिखाया था ये घर। अभी ऑलमोस्ट सब कुछ कम्प्लीट हो रहा है और नेक्स्ट टाइम जब मैं घर में आऊँगा तो प्रोबेबली मैं इसी घर में रहूँगा और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या है। एंड हेयर सो गाइज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दी ग्राउंड फ्लोर। आप लोग देख सकते हैं कि ये है हमारे ग्राउंड फ्लोर के बेल्कनी। यहाँ पे प्लांट रखा गया है। अभी बहुत कुछ बहुत मॉडिफिकेशंस बाकी है जो कि नहीं किया गया है। अभी ये है एक प्लांट, ये है एक चेयर, यहाँ पे बैठ के आप लोग फील ले सकते हैं यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली। ये दिस इज दी ग्राउंड फ्लोर। इसके नीचे गैरेज है ये और ये हम लोग अंदर गए। सो दिस इज दी एम्बियंस दैट यू गोना गेट हियर। ये आप लोग देख सकते हैं दिस इज मेड अप ऑफ वुड ऑल दिस थिंग्स। ये भी रखा गया है शायद यहाँ पे और एक सोफा होगा। और अभी हम लोग जाएंगे ऊपर। द लाइट फील्स रियली गुड। और ये आगे स्टेज। अभी ऊपर चलते जल्दी जल्दी। यहाँ से आप झांक भी सकते हैं अगर कोई गेस्ट आया तो। एंड गाइस गेस दिस इज माय रूम। ये मेरा रूम है जो कि बहुत 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 वो होने वाला है इसीलिए हम लोग ये रूम में बहुत अच्छे से जाएंगे। लेट्स गो टू सॉर्ट ऑफ हजारिकास प्लेस। तो इसमें अभी तक बहुत सारे मॉडिफिकेशंस बाकी है जो कि मेरे आने के बाद होगा शायद क्योंकि मैं करने वाला बहुत सारे चेंजेस बहुत सारे मॉडिफिकेशंस वो होगा मेरे आने के बाद। सो आप लोग देख सकते हैं दिस इज द सोफा। ये सब पिलोज रखा गया है जो कि मैच नहीं गया अभी पर ऐसे ही रखा गया है ऑल दिस थिंग्स। ये देख सकते हैं आप लोग बैल्कनी में। बाद में आप लोगों को दिखाता हूँ। सी दिस पार्ट। ओके गाइस सो दिस पार्ट फील्स लाइक द फील एरिया क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मजा आता है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत स्विच वगैरह। दिस इज काइंड ऑफ वाटरफॉल एरिया एंड आप लोग यहाँ पे चिल कर सकते हैं। दिस वॉल फील्स गुड। ये बाद में इसको ग्रे कलर कर दिया तो मजा आएगा इसमें वीडियो वगैरह बनाने के लिए। दिस टू गाइज लुक्स नाइस। और यहाँ पे आप लोग मतलब मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे बाद में ऐसे बैठ के घूम सकते हैं। घूमने का मजा इसमें बहुत है क्योंकि घूमते ही रहेंगे हम लोग। इसमें भी घूम सकते हैं। और नीचे आप लोग देख सकते हैं बहुत खतरनाक प्राणी मैंने रखा है। ये दिस इज दी क्रोकोडाइल मेड अप ऑफ वुड। हमारे घर में वुड के सामान बहुत है मतलब स्ट्रक्चर्स। दिस इज ए बर्ड मेड अप ऑफ वुड। एंड और अभी हम लोग जाएंगे बैल्कनी में। बैल्कनी अभी बहुत खाली है। यहाँ पे मैं बाद में कुछ फेरी लाइट्स वगैरह लगा के आई कैन मेक इट मोर फील एरिया क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। वेरी नाइस मजा आ सकता है यहाँ पे। मतलब बाद में मैं थोड़ा सा ऐसे फील लेने के लिए आऊँगा रात में नहीं तो किसी से बात करने के लिए ऐसे बाहर। एनीवे गाइस सो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा मेरा रूम जो कि बिल्कुल मेरा रूम है। ये तो शायद ड्राइंग रूम जैसा हो गया तो मेरा रूम दिखाता हूँ फाइनली। लेट्स एंटर माय रूम। आते आप लोग देख सकते हैं ये मेरे बहुत सारे अचीवमेंट्स। बहुत सारे नहीं बहुत कम है। एंड दिस इज माय रूम जो कि बिल्कुल खाली है क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी शिफ्ट नहीं हुआ है अभी तक। धीरे धीरे हो जाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है घर। दिस इज द लाइट दैट आई हैव नॉट सीन येट। बल्ब तो है इसमें लगा के नहीं दिखा है क्योंकि यहाँ पे स्विच बोर्ड नहीं है। स्विच बोर्ड का सिस्टम शायद बाद में होगा यहाँ पे। यहाँ पे एक छोटा सा अलमारी है एंड दिस इज ऑल्सो दी स्टोरेज एरिया। डॉल तो हमेशा होता है मेरे रूम में मेरे सिस्टर की वजह से। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट मेरे यहाँ पे सनरूफ है जो कि बिल्कुल बेड के आगे जो कि मैं पूरा अच्छे से व्यू देख सकता हूँ। ये खोल के मजा ले सकता हूँ। दिस इज द बेस्ट पार्ट। एंड आई लाइक दिस टू बिन बैग्स
রকি হেয়া আৰু এনেকৈ মজাই লাগি যায়, দিন বেগত পৰি মজা আ যায়। সিরিজ ইয়ে এক বিন বেগ হ্যাঁ ইয়ে এক বিন বেগ হ্যাঁ ইয়ে তো বিন বেগ নেই ইসমে বেচ সকতে বিন বেগস। ও এক টেলিফোন ভি হ্যায় और मैंने यहाँ पे एक फ़ोन भी रखा है जिसके हेल्प से मैं अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ बात भी कर सकता हूँ ऐसे। हाय 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 यस 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 आई एम मिसिंग यू टू, यू मिस मी टू, आई मिस यू टू, वी विल मिस अस। ओ ताके आरो सो ये एग्जैक्टली काम नहीं करता है ऐसे नाम के लिए हो गया। और गाइज अभी हम लोग जाएंगे इससे भी ऊपर वाले पार्ट में अपनी फैमिली पिक्चर से जो कि अच्छे से नहीं लगाया गया बाद में, और वी विल मेक मॉडिफिकेशन यहाँ पे, यहाँ से भी आप लोग फील ले सकते हैं ऐसे ओ कॉल आया घर पे झाँक सकते हैं। और अभी हम लोग जाएंगे टॉप फ्लोर में, तो देखते हैं टॉप फ्लोर में क्या क्या है। यही है टॉप फ्लोर में, अर्ली मॉर्निंग विटामिन डी मिल रहा है और क्या चाहिए। सो दिस इज द टॉप फ्लोर, यहाँ पे एक प्लांट है आप लोग आके देख सकते हैं। एंड दिस इज आवर झूला, झूलने का इलाका, जो कि मैं उल्टा झूल रहा हूँ शायद, पर मजा आ रहा है। ओह जी बोल ना यार मजा ही लगे। तो यही एक फील है जो कि मैं ले सकता हूँ यहाँ पे बैठ के आराम से। ओह क्या फील है ये बेच जैसा होता तब मज़ा आता, और ऐसे सो सो के फील ले सकते थे खुले आसमां में उसके नीचे। और एग्जैक्टली मैंने उल्टा बैठा था, ऐसे बैठना चाहिए, ये पता नहीं क्या मिट्टी वगैरह शायद। तो डायरेक्टली फ्रंट में आप लोगों को मिलेगा पूरे गुवाहाटी का व्यू। सी दिस इज आवर गुवाहाटी, मज़ा आ रहा है देख के। और ये हमारे घर के सामने का फील्ड है और ये पूरा गुवाहाटी है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से पूरा दिखता है। एंड गाइस इसका जो एक्चुअल मज़ा है ना वो रात में ही आता है, क्योंकि रात में सारे लाइट्स सिटी के लाइट जलता है, तब यहाँ पे बैठ के जब आप फील लोगे ना तब वो अलग ही फील होता है। और हम लोग पूरे पूरा मतलब पहाड़ के ऊपर ही है, तो यहाँ में बहुत हवा, यहाँ बहुत हवा आता है और बहुत शांति है यहाँ पर, बहुत शांति है। पोल्यूशन वगैरह यहाँ पर बहुत कम है, आप लोग सिटी लाइट्स देख सकते हैं। एंड नेटवर्क भी अभी अच्छा ही है, वाईफाई वगैरह आ गया, पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम था, एंड अभी चिल कर सकते हैं यहाँ पर, मज़ा आया। पोल्यूशन नहीं है एंड साउंड नहीं है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, जो कि मैं मुंबई में फेस करता हूँ यहाँ पे मुझे फेस करना नहीं पड़ता है। एंड आई लाइक साइलेंस काम प्लेस, तो ये प्लेस मेरे लिए बेस्ट है अभी, बिकॉज दिस इज़ वेरी साइलेंट। दिस इज कम्प्लीट। एंड गाइज गेस कीजिए ये क्या है, ये है एक वाटरफॉल जो कि मेरे पापा ने बहुत सोच समझ के बनाया है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो आई डोंट नो वेयर द स्विच इज बट लेट मी सी। ओके सो गाइस कैन यू सी पानी आ रहा है पूरा पूरे वाल में, आप लोग देख सकते हो साइड से। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ वाटरफॉल जो यहाँ पे लाइट आता है, और यहाँ पे भी शायद एक लाइट लगाया जाएगा बाद में। हैंड ये ऐसे आता है, हाँ वही सो आप लोग देख सकते हैं पानी यहाँ से आ रहा है, मतलब वाल से फ्लो हो करके, और ये नीचे जाके नीचे भी कुछ कुछ रखा गया है ताकि ये फील इसमें फील आए। और दिस इज़ ए काइंड ऑफ वाटरफॉल आर्टिफिशियल विच फील्स रियली गुड, यहाँ पे बैम्बू वगैरह होता तो और मज़ा आता, बट इट फील्स गुड। देख सकते हैं आप पानी आ रहा है वाल से। एंड गाइज दिस इज़ द लास्ट रूम जो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिस इज गेस्ट रूम, एग्जैक्टली गेस्ट रूम होगा ये। और यहाँ पे दिस इज दी फील एरिया, जो कि मैं सोच रहा था कि ये रूम मैं स्टूडियो बना दूंगा बाद में, क्योंकि दिस रूम इज वेरी स्मॉल, नॉट वेरी स्मॉल, ये ऐसे ट्राइंगल शेप में है ये रूम। एंड यहाँ पे फील लेने के लिए बहुत मजा है, क्योंकि दिस इज दी टॉप मोस्ट रूम, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। ओ क्या हवा आ रहा है, क्यों चलती है पवन, ऐसा फील आ रहा है यहाँ से, क्या हवा है। तो ये रूम का मजा यही है, यहाँ पे नेचुरल एसी आता है, तो दिस इज द नेचुरल एसी, नेचुरल एसी रूम। यस तो अभी मैं एसी को बंद कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा आ रहा है, और दिस इज द
लास्ट ऊपर रूम, ऊपर वाला रूम है जो कि बहुत स्वीट है। मैं बाद में यहाँ पे स्टूडियो का प्लान कर सकता हूँ। एंड अभी इसको बंद करते हैं एंड इसको भी बंद करते हैं। एंड गाइस दिस इज़ वन मोर रूम जो कि अभी खाली है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से भी नीचे लेसी आएगा एंड ये हो गया ख़त्म। सो गाइस आप लोगों ने तो सारे रूम्स देख लिया अभी, और यहाँ पे और क्या क्या मॉडिफिकेशंस चेंजेस होने वाला है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरे आने के बाद। एंड आई एम एक्साइटेड टू लीव हियर, मज़ा आएगा यहाँ पे रह के। सो गाइस जब इस घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था तब से मैंने शायद आप लोगों से शेयर किया है घर का मतलब पूरा मेकिंग, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को दिखाया कि अभी क्या क्या चेंजेस आ गए, क्योंकि मुझे भी देखने के लिए मिला घर आके। एंड इसके बाद क्या चेंजेस होता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जब मैं नेक्स्ट टाइम घर पे आऊँगा। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को देख के कैसा लगा घर, और मैं यहाँ पे क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ ताकि घर और अच्छा लगे, सुंदर लगे, शानदार लगे। लेकिन मज़ा आएगा यहाँ पे रहेंगे। और ये है बाहर का लुक, बाहर से शायद ये नीचे वाला ही पेंट हो गया, ऊपर वाला पेंट सब बहुत कुछ बाकी है घर में अभी। सो गाइज आई जस्ट होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो, एंड इफ यू डिडंट प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक यू इतने ढेर सारे प्यार देने के लिए। मैं बीच बीच में एक दो लाइन एसएमएस बोलता हूँ क्योंकि वो निकल जाता है। आई होप मेरी हिंदी आप लोगों को समझ में आ रहा है अभी, धीरे धीरे मैं इसमें काम कर रहा हूँ ताकि हिंदी मेरा और स्मूथ हो जाए, मेरा और अच्छा हो जाए। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आई विल डू इट। एंड आई जस्ट होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा होम तोड़ दिया है, एंड जितना हो सके मैंने ट्राई किया आप लोगों को दिखाने के लिए। एंड आई जस्ट होप यू एंजॉय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज ऐसे ही ब्लेस करते रहिए, ऐसे ही ढेर सारे प्यार देते रहिए ताकि मैं और ढेर सारे वीडियोज़ बना सकूँ। एंड आई एम गोइंग टू शो यू मैनी 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 मोर एक्साइटिंग थिंग्स इन माई नेक्स्ट ब्लॉग्स। तो टिल देन स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप लोग कोई भी वीडियोज मिस ना करें। तो स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। Keep blessing. सो गाइज आज आप लोगों को मैं कमेंट सेक्शन में